वेलकम बैक। देखिए हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। देखो सेंटर ऑफ प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। और चूंकि देखो ये इंटरेस्टिंग है तो आपको समझ में भी इजीली आता है और एग्ज़ाम में बनाना भी इसको आसान होता है, सो दैट कि जब आप लोग प्रॉब्लम करोगे MCQs करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, थोड़ा अगर इसको आप केयरफुल देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहता है, ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्राविटी से इसका क्या रिलेशन है। सेंटर ऑफ ग्राविटी आपको अगर पता है तो ट्रिक क्या होगी कि आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सको, तो बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। वन बाय वन इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, क्या है डेफिनेशन। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन एरिया इन कॉन्टेक्ट विथ ए फ्लूड इज दैट पॉइंट ऑफ द एरिया एट विच द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑफ द फ्लूड ऑन वन साइड ऑफ द एरिया एक्ट्स, राइट। तो ये शॉर्ट में बोलो तो ये है कि वह पॉइंट, प्लेन एरिया का वह पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रिजल्टेंट थ्रस्ट क्या होता है, एक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि वन साइड इसलिए लिखा है ना कि जब, जाहिर सी बात है, कोई भी हम प्लेन एरिया को जब इसमें डिप करेंगे, डुबाएंगे, तो उसका कोई एक तरफ का जो सरफेस है ये ऊपर वाला, ये इस पे ही थ्रस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे वाला का बात नहीं कर रहे, तो इसलिए वन साइड लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। तो मान लो यहाँ पे इसे एक फिगर दिखाया गया, ये मान लो ये मेरा प्लेन एरिया है और इस पर जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है वो इस पॉइंट पर लग रहा है। तो जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट थ्रस्ट अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई CP, CP स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट। ये देखो फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस का मतलब ये होगा कि जो फ्री सरफेस है उसके नीचे ही पूरा आपका फ्लूड लिक्विड होगा, ठीक है। तो वो हम लोग फ्री सरफेस लेंगे, तो वहीं से हम लोग फिर सारा काम करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट है ना, वो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको याद रखना है, एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़, इफ़ प्लेन सर्फेस बी हॉरिजॉन्टल देन द डेप्थ ऑफ एवरी पॉइंट बिलो द फ्री सर्फेस बी सेम एंड इन दिस केस CP विल बी सेम एज CG। मतलब मान लो अगर कोई हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, देखो इस तरीके से ना, हॉरिजॉन्टल अगर रखा हुआ है तो क्या होगा कि फ्री सरफेस से सारा पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट आप लोगे तो एक ही डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। कोई भी इसका पॉइंट लोगे तो सब क्या आएगा, सेम डिस्टेंस पे आएगा, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो वही पॉइंट हो जाएगा जो एग्जैक्टली क्या है, सेंटर ऑफ ग्राविटी होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाले केस में तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्राविटी हो जाएगा, दोनों का पोजीशन सेम हो जाएगा। जब हम लोग वर्टिकल रखेंगे या किसी और सेंस में रखेंगे तो उस केस में सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्राविटी के नीचे मिलेगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएंगी। तो नंबर टू क्या है, इन ऑल अदर केसेस व्हेन द प्रेशर ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एरिया आर ग्रेटर देन दोज ऑन द अपर पार्ट। तो यही होता है, जब भी आप किसी को फ्लूड में डुबाते हो तो क्या होता है, लोअर पार्ट का प्रेशर अपर पार्ट से ज़्यादा रहता है। द CP विल बिलो CG, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अलावा जो केस है ना, हॉरिजॉन्टल के अलावा जो केस है उसमें आपको देखना होगा कि आप जब देखोगे, जैसे मान लो कि ये आपने किसी को इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, प्लेन सरफेस को, ये आपका फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस में अगर आप देखोगे, अगर सेंटर ऑफ ग्राविटी यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ प्रेशर उससे नीचे होगा, ठीक है। ऑलवेज CP लाई बिलो CG, ये हम लोग हर केस में देखेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल वाले केस में दोनों एक जगह हो जाता है, ठीक है। तो हेंस डेप्थ ऑफ CP फॉर अ प्लेन एरिया इमर्स्ड इन ए लिक्विड इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ CG, तो CG से ज़्यादा गहराई होगा CP का, ठीक है, दैट इज CP बिलो CG। पोजिशन ऑफ CP रिमेन्स अनअल्टर्ड बाई द रोटेशन ऑफ इट्स प्लेन एरिया, ठीक है। अब जैसे देखो CP का मान लो कि ये गहराई मिल गया ना, मान लो किसी का, जैसे CP का ये गहराई है, हम लोग ये देख लिए कि CP जो है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो इतना गहरा है, H है, ठीक है। अब इसको आप हल्का रोटेट भी करेंगे, ठीक है, थोड़ा आप इसको ऐसे रोटेट भी करेंगे, जब भी जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ना उसका गहराई वही H ही रहेगा, क्या रहेगा, H ही रहेगा, ठीक है। तो अब घुमाने से सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डेप्थ है वो चेंज नहीं करता, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि आपको किसी को इंक्लाइन प्लेन पर रख देगा तो इंक्लाइन प्लेन पर रखने या कोई इंक्लाइनेशन दे देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो गहराई पहले था वही आपको मिलेगा। चूँकि एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो है आपका नेट डेप्थ पे डिपेंड करता है, तो घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि डेप्थ आपका वही है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ भी वही रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। अब देखो फार्मूला फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फार्मूला है पूरा डिस्कशन देखो हम लोग तो ब्रीफ में किए हुए हैं ना, वो थोड़ा पुराना वीडियो है लेकिन पूरा डिस्कशन उसमें है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको समरी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समअप कर रहे हैं ताकि आपको क्या हो, आपको एक जो इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह हैं वो आपके दिमाग में रहे और MCQs करने के टाइम आप थोड़ा स्पीड कर पाओ, ठीक है।
तो ये देखो मैंने बताया था सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है हाइट, इसको आप कह सकते हो क्या है डेप्थ, ठीक है, जेड बार क्या है डेप्थ है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो सरफेस एरिया, बिलो सरफेस, फ्री सरफेस, बिलो फ्री सरफेस, ठीक है। तो फ्री सरफेस से के नीचे जो डेप्थ होगा सेंटर ऑफ प्रेशर का उसको आप निकाल पाएंगे जेड इंटू पी डी एस बाई पी डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ जेड क्या है, तो जेड देखो है वर्टिकल डेप्थ ऑफ एलिमेंट्री एरिया फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। तो जब भी आप कोई सरफेस पर काम करते हो, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसमें क्या होता है आप एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो एलिमेंट्री एरिया आएगा उसका जो डेप्थ होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस वो जेड है, राइट। फिर इंटू पी, तो पी डी एस पूरा क्या है, ये थ्रस्ट है, क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया क्या कहलाता है, ये थ्रस्ट कहलाता है, टोटल प्रेशर कहलाता है। सो इट इज़ थ्रस्ट और होल प्रेशर ऑन एलिमेंट्री एरिया। तो पहले तो एलिमेंट्री एरिया का गहराई आप ले लोगे वो जेड हो जाएगा, ठीक है, और फिर उस एलिमेंट्री एरिया पर जितना प्रेशर थ्रस्ट पड़ रहा है उसको आप पी डी एस ले लोगे, ठीक है, राइट। फिर नीचे यही पी डी एस है, तो होल प्रेशर का ही आपको इंटीग्रेशन कर देना है, इससे आप किसी भी जो है लैमिना का या प्लेन सरफेस का आप सेंटर ऑफ प्रेशर इजिली निकाल पाएंगे। सो लेट अस टेक ए क्विक एग्जांपल, एक क्विक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, अभी मैं ट्रिक्स पे बात करूंगा तो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। सपोज करो मेरे को निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या है, तो ये जस्ट इमर्ज्ड है, ठीक है, जस्ट इमर्ज्ड इमर्ज्ड इनटू फ्लूड, ठीक है, फ्लूड में या लिक्विड में ये क्या है, जस्ट इमर्ज्ड है। इसका जस्ट इमर्ज्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब कि इसका एक जो एज होगा वो क्या होगा, वो टच कर रहा होगा फ्री सरफेस को, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ए बी एज है ये क्या है, ये फ्री सरफेस के अलोंग है, ठीक है, तो ये जस्ट इमर्ज्ड है। और एक होता है फुल्ली इमर्ज्ड या कम्प्लीटली इमर्ज्ड, तो उसका मतलब होता है कि सब पूरा जो होल लैमिना है वो सब कुछ नीचे है, ठीक है, तो कोई भी एक एज आपको टच नहीं करेगा, सब नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जस्ट इमर्ज्ड की बात करी की जा रही है, यानी कि कोई एक एज इसका फ्री सरफेस के साथ कॉमन है, लाइक यहाँ पे ए बी आपको दिख रहा है कि फ्री सरफेस के साथ में है, राइट। तो ये देख लो यहाँ पे ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसका मेरे को सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ पता करना है कि ये किस गहराई पे है, ठीक है। तो अब देखो सपोज करते हैं इसका लेंथ ए दिया हुआ है, इसका विड्थ बी दिया हुआ है, ओके तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और पैरेललोग्राम में जो है हम लोग पैरेलल स्ट्रिप्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैरेलल स्ट्रिप ले रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, एल एल डैस, इसका नाम क्या है एम एम डैस, राइट, ये मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ये मैंने ले लिया। तो इसका लेंथ क्या होगा, तो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ तो यही होगा DC के इक्वल, सो इट इज़ इट्स लेंथ ए। और इसका विड्थ क्या होगा, तो विड्थ देखो दिखा है डिजिट साइन अल्फा, थोड़ा समझ लो इसको यहाँ पे, जैसे देखो ये सब सपोज करते हैं ना कि ये मेडियन है, ठीक है, EF, EF क्या है मेरा मेडियन है, यहाँ पे दे रखा है AB A है, AD B है, और EF मेडियन है। मेडियन का मतलब ये है कि ये मिडिल पॉइंट है, E इज मिडिल पॉइंट ऑफ A एंड B, एंड F इज मिडिल पॉइंट ऑफ D एंड C, राइट। तो ये मेडियन हो गया। अब मान लो तो ये मेडियन मेरा अल्फा एंगल बना रहा है, ओके, और ये सपोज कर लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ, और ये सपोज कर लेते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर तो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रिप है ना ये जेड जो है लेंथ के नीचे है अलोंग दिस मेडियन। तो अगर ये जेड लेंथ के नीचे है तो सपोज करो, तो आप बढ़िया से देख लो ये पूरा आपका ये लाइन जो कि अल्फा एंगल बना रहा है ये आपका हाइपोटेनियस जेड है, देन सामने वाला क्या हो जाएगा, जेड साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, फॉर दिस ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल के लिए जेड साइन अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जेड साइन अल्फा हो गया। इसी तरीके से अगर जेड के अलोंग में इस पैरेलल स्ट्रिप का चौड़ाई डी जेड है, राइट, तो अगर ये डी जेड है तो लाइक इस दिस जेड, जैसा ये जेड आपका जेड साइन अल्फा हो गया, तो ये जो डी जेड है ये वाला पोर्शन ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस तरफ डी जेड साइन अल्फा। तो मैंने यही यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये तो जेड साइन अल्फा हो जा रहा है और ये जो है मेरा ये क्या हो जा रहा है, ये मेरा हो जा रहा है ये वाला डी जेड साइन अल्फा, राइट। इसलिए इसकी जो चौड़ाई है स्ट्रिप की, ओके, उसको हम लोग डिजिट साइन अल्फा ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ही एलिमेंट्री पार्ट है, बहुत छोटा होता है, बहुत नैरो होता है, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या करते हैं रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में क्या होता है एरिया निकालना इजी होता है, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल ले रहे हो तो रेक्टेंगल का एरिया सिंपली क्या हो जाता है, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जस्ट इसको अगर बिल्कुल नैरो मान रहा हूँ बहुत, चूंकि एलिमेंट्री है, तो उस केस में इसका हाइट हम लोग देख लेंगे, तो हाइट इसका क्या आ जा रहा है, चूंकि हाइट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसलिए अलोंग द परपेंडिकुलर लेंथ होगा ये, सो इट इज़ डिजिट साइन अल्फा, राइट, और इसका लेंथ ए हो गया। तो इस केस में इसका एरिया निकालना काफ़ी आसान है, तो पहले हम लोग पी डी एस का वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर दिस एलिमेंट्री एरिया,
तो PDS क्या हो जाएगा? तो आप देखो P का जो वैल्यू होता है प्रेशर, प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? तो प्रेशर अगर कोई लिक्विड कॉलम है तो उसका वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं रो जी एच, ये होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर रो डेंसिटी है, पहले से भी आप पढ़े हुए हो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये हाइट होता है, वो हाइट जो कि उसके ऊपर है जो लिक्विड कॉलम है, ठीक है। इसके ऊपर जो लिक्विड कॉलम है तो उसका हाइट जेड साइन अल्फा है, देख पा रहे हो। हाइट की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर के एलोंग वाला लेंथ का बात करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ रो जेड, रो जी जेड साइन अल्फा, दिस इज़ द प्रेशर पी, एंड डी एस एरिया क्या हो जाएगा? तो लेंथ इंटू विड्थ, सो ए इंटू डी जेड साइन अल्फा, दिस इज द एरिया। तो आपको पी डी एस का वैल्यू मिल गया, तो कोई नहीं, पी डी एस ही इंपॉर्टेंट था। पी डी एस अगर आपको निकल गया तब आप पोजिशन ऑफ सी पी निकाल सकते हो एलॉन्ग ई एफ। तो पहले मैं अगर इस मीडियन के एलॉन्ग बात करूँ कि अगर दिस इज पी इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर एलॉन्ग ई एफ, देन इसका फॉर्मूला यही होता है जेड बार इज इक्वल टू दिस, राइट। तो आप देखो यहाँ पे तो जेड बार इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इंटीग्रेशन जीरो से बी होगा, क्यों? क्योंकि जो मीडियन है आपका वो अलोंग द लेंथ बी है, देख पा रहे हो, ठीक है। तो जीरो से बी इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि जेड आपने यहाँ से लिया हुआ है लेंथ, तो जेड जीरो से शुरू होगा और मैक्सिममली बी पे फिनिश होगा, ओके। अब आप देखो जहाँ आप पी डी एस का वैल्यू रखोगे ना, तो देखो रो आपका ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा ए, तो रो जी ए साइन अल्फा भी आपका कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, जो बचने वाला है वो ऊपर बचने वाला है जेड और साथ में एक जेड और भी, तो जेड स्क्वायर डी जेड, और नीचे में चूंकि कोई जेड नहीं है तो ओनली जेड डी जेड, राइट। अब इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये आ जाता है अंडर द लिमिट 2/3b। अब ये देखो जेड बार का वैल्यू मिल गया, किसके एलोंग में मिला है? एलोंग ई एफ, सो दिस जेड बार इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी, एंड बी इज वाट? बी इज लेंथ ऑफ ई एफ, सो इट इज 2/3 ऑफ ई एफ, राइट। तो ये आपको डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर मिल गया एलॉन्ग ई एफ, कितना है भाई? 2/3 ऑफ ई एफ है, ठीक है, यानी पूरे मीडियन के लेंथ का 2/3 है। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल अगर आपको ई एफ, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, अगर आपको ई पी मिला है, ई से लेकर के पी तक का आपको गहराई पता चल गया, एलॉन्ग मीडियन क्या है भाई? ये है आपका 2/3 ऑफ ई एफ। तो बगैर संकोच की आप लिख सकते हो डायरेक्टली, अगर मेरे को हाइट के अलोंग में चाहिए तो मैं गहराई ऐसे बताऊंगा कि ई क्यू, इफ़ क्यू इज़ द पोजिशन ऑफ पी, ठीक है, अगर चूंकि पी और क्यू तो सेम पोजिशन होगा गहराई के हिसाब से बात करें तो, ठीक है, कि पी कितना गहरा है, तो पी अगर गहराई निकालना है तो आपको ये परपेंडिकुलर डालना ही पड़ेगा, दैट मीन्स ई क्यू इज़ द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, चूंकि इस तरफ तो आपने निकाला था एलॉन्ग मीडियन ना, तो ये तो आपका गहराई नहीं बता रहा, एक्चुअली गहराई ये बताएगा। तो ई क्यू अगर आपको निकालना है ना, तो आप बिंदास तरीके से इसको डायरेक्टली 2/3 ऑफ ई एच लिख सकते हो, मतलब कि ई एच के ई एच अगर पूरा हाइट है, पूरा डेप्थ है पैरेललोग्राम का, तो डेप्थ का 2/3, 2/3 पे क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, हालांकि ये हम लोग देखेंगे अभी थेल्स थ्योरम से आप इजिली इसको निकाल भी सकते हो, बट ये चूंकि आप क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हो कि आप देखोगे ये ट्रायंगल ई पी क्यू और ट्रायंगल ई एफ एच, ये आपको सिमिलर ट्रायंगल है बिकॉज ऑफ कॉमन साइड्स एंड कॉमन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप थेल्स थ्योरम लगाओगे तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि दोनों के ई पी बाई ई एफ का रेशियो ई क्यू बाई ई एच का रेशियो ये बराबर होगा। यहाँ पे मैंने देखो ये थेल्स थ्योरम लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये थेल्स थ्योरम जब आप लगाते हो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के लिए तो ये चीज़ आता है। तो एक्चुअली जो प्रोपोर्शन है 2/3 वो आपको दोनों में कॉमन मिलेगा, ठीक है, जो इसके लिए मिला था वही इसके लिए मिलेगा, दैट्स वाई वी कॉल वी कैन से ई क्यू इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ई एच, ठीक है। मतलब अगर आपका मीडियन वाला निकल गया तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देना उठा करके कि हाइट के लॉन्ग में भी आपका वही आएगा। तो फाइनली जो पोजिशन ऑफ सी पी आया है वो क्या है? वो 2/3 ऑफ वर्टिकल डेप्थ ऑफ पैरेललोग्राम आया है, यानी पैरेललोग्राम का जो गहराई है उस गहराई के 2/3 पोजिशन पे सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है। जैसे ये था मेरा एंड दिस वन इज द फ्री सरफेस। अब अगर इसकी गहराई आपको पता है, गहराई क्या होता है? तो गहराई देखो यही होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ होगा। तो मान लो इसकी गहराई h है, तो डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कहाँ पे बता रहा है? वो बता रहा है कि इस हाइट का 2/3 होगा, तो 2/3 ऑफ h जहाँ पे आएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जस्ट हाइट का हाफ पे होता है, मिडिल पॉइंट पे होता है, आप कह सकते हो जस्ट सेंटर पे होता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा एच है तो एच बाई टू पे
सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो इससे भी हम लोग अभी इसको रिलेट करेंगे और ट्रिक देखेंगे कि अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद है तो सेंटर ऑफ प्रेशर आप बिंदास तरीके से निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, ये पूरा डिस्कशन मैं अपने लेक्चर में किया हुआ हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हो, तो फिर भी मैंने एक बार रिकॉल करा दिया चूँकि ये फ्रेश वीडियो है तो आपको यहाँ से। लेकिन आप इस टेक्निक से ना किसी भी लैमिना का आप इस जनरल फार्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जनरली थ्योरीज में हमको काम आता है एग्ज़ाम वगैरह में, बीएससी सेमेस्टर वगैरह में, बट अगर आपको क्वेश्चन करना है, आपको एमसीक्यूज करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा फास्ट होना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको फास्ट तरीका बता देता हूँ इसका। तो देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक से आपको बिंदास याद रहेगा। क्या ट्रिक है? तो फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, अगर आपको पॉलीगन का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है ना, लाइक ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ पता है, सपोज करो ये ए बाई बी ऑफ एच है, मान लो ये आपको पता है, नोन है, ठीक है। यहाँ एच क्या है? एच आपका हाइट है, तो क्योंकि हाइट के ही हम लोग रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जब ही हमको क्या मिलेगा, डेप्थ मिलेगा, ठीक है। तो ए बाई बी एच अगर आपका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देन आप क्विकली निकाल पाओगे सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या करना है? ऊपर में एक जोड़ देना है, नीचे भी एक जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, ए प्लस वन बी प्लस वन एच तो रहेगा ही, जो वैल्यू आएगा दिस इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। एकदम मजा आ जाएगा इसे करने में, जैसे मैं आपको कुछ क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ क्विक एग्जांपल है, जैसे पॉलीगन से यहाँ पे दे रखा है, तो पहला नंबर है देखो पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, इसका गहराई h है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जस्ट मिडिल पॉइंट पे होता है, यानी h बाई टू पे होता है, ठीक है, फ्रॉम द फ्री सरफेस। जो भी यहाँ पे फॉर्मूला है ना, वो क्या है, वो फ्रॉम फ्री सरफेस है, याद रखोगे, ठीक है, फ्रॉम फ्री सरफेस, राइट। तो h बाई टू पे होता है, तो ऊपर में एक जोड़ दो, नीचे भी एक जोड़ दो, तो 1 प्लस वन टू, 2 प्लस वन थ्री, 2 बाई थ्री एच, यही तो आया था, देख पा रहे हो ना। तो एग्ज़ाम में एमसीक्यूज करने के लिए तो अब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, या फार्मूला आपको याद रखना है, बड़ा क्वेश्चन करना है, जब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद तो रखना ही है आपको, चूँकि इससे क्वेश्चन श्योर आता है, ठीक है। नंबर टू, रिक्टेंगल। अगर रिक्टेंगल की बात की जाए, तो रिक्टेंगल तो पैरेललोग्राम की ही तरह होगा गहराई में, ठीक है। तो चूँकि गहराई पता होगा आपको, अगर इसका डेप्थ आपको एच पता है, ठीक है, तो सेम फार्मूला आपको अप्लाई होगा, इसलिए डू डू लिखा हुआ है। तो जो पैरेललोग्राम का होगा वही आपका रेक्टेंगल का भी होने वाला है। नंबर थ्री, ट्रायंगल। ट्रायंगल में दो केस हो सकता है, हो सकता है कि ट्रायंगल इस तरीके से हो, कोई एक वर्टेक्स जो है हैंग हो, फ्री सरफेस पे लाई करता हो, और जो बेस है वो फ्री हो, ठीक है। तो एक अगर कोई एंगुलर पॉइंट अगर फ्री सरफेस पे है, और हाइट हमको पता है, हाइट इंपॉर्टेंट है, हाइट आपको पता है, ठीक है। तो देखो तरीका बता रहा हूँ, ऐसे केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने याद करके रखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये एडी मेरा मीडियन है, क्या है, ये आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, ज्योमेट्री में एडी आपका मीडियन है, तो मीडियन का 2/3 होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन, यानी जो एजी है, राइट, तो एजी क्या होता है, 2/3 ऑफ एडी होता है, ठीक है, पूरा एडी के लेंथ का 2/3 होता है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये पता है तो भाई यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है जो आपस में सिमिलर होंगे और थेल्स लगा देंगे। तो गहराई वाइज अगर देखा जाती है 2/3 ऑफ एच पे होगा, ये जो आपको प्रोपोर्शन है ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ ले लेना है, और ये इसको एच में ले आना है, अब एच में ले आए, अब आपको ग्रेविटी का हाइट पता चल गया, तो कुछ करना नहीं है, प्रेशर का हाइट पता करने के लिए क्या करना है, वन जोड़ दो, जोड़ दिया, 3/4 एच आ गया। कितना क्विक मोड में आपको याद रहेगा, मज़ा आ जाएगा, ये पूरा PDF आपको मिलेगा, इसके लिए परेशान नहीं हो, ये पूरा कोर्स में लगा हुआ है, ठीक है। नंबर फोर अगर आप देखो, तो ये देखो, ये हो गया मेरा, इसमें क्या है, इसमें जो फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस में मेरा एक बेस लाई कर रहा है, ठीक है, BC मेरा क्या है, एलोंग द फ्री सरफेस है, देख पा रहे हो आप, और जो एंगुलर पॉइंट A है वो नीचे की तरफ है, उल्टा केस है, तो इसमें जस्ट उल्टा कर दो। अगर आप उसमें गहराई 2/3 एच था, इधर से 2/3 एच था, तो ऊपर से कितना होगा, तो आप सिंपली इसको एच में माइनस कर सकते हो, एच माइनस 2/3 एच, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपली 1/3 एच आ जाएगा। तो हम लोग याद करके रखे हैं कि अगर बेस से हम लेंगे तो 1/3 एच पे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब कुछ नहीं करना है, 1 जोड़ दो ऊपर नीचे, भाई देखो कितना जल्दी काम हो रहा है ना, बिल्कुल फास्ट। तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ प्रेशर क्या मिल रहा है, कि अगर ये ऐसा सिचुएशन है तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, जस्ट हाइट के हाफ पे होगा, ठीक है, उसका गहराई। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, एकदम याद कर लो, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला इज़ हियर,
क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर एरिया, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर एरिया यानी डिस्क, डिस्क की बात कर रहे हैं, ऑफ रेडियस ए टोटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड विथ इट्स सेंटर एट ए डेप्थ एच बिलो द सर्फेस। ये भी मैंने पूरा डिस्कस किया है, बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का सिचुएशन है कि कोई फ्री सर्फेस है और उससे एच गहराई पे, डेप्थ कितना है एच है, एच डेप्थ पे अगर आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर का डेप्थ दिया हुआ है क्या है एच है, ओके, और इसका जो रेडियस है वो ए है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर सी पी, ओके, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो गहराई आ जाएगा वो आ जाएगा एच प्लस ए स्क्वायर बाई 4h फ्रॉम द फ्री सर्फेस। यहाँ से पूरा जो आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा जेड बार, जेड बार का वैल्यू देखो ये है, तो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा और ए स्क्वायर बाई 4h होगा। ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट इस फार्मूला से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एकदम आपको इसको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अब इसी में कुछ कोरोलरी बन सकता है, क्या कोरोलरी हो जाएगा, मान लो कि ये तो हो गया कम्प्लीटली इमर्स्ड वाला केस है ना, ये क्या है, ये आपका फुल्ली इमर्स्ड है, या इसको आप लोग बोल सकते हो क्या है, ये मेरा कम्प्लीटली इमर्स्ड है इन लिक्विड, राइट। लेकिन अगर मान लो पार्शियली, ये सॉरी, अगर मान लो जस्ट इमर्स्ड हो, ठीक है, इस तरह से अगर इमर्स्ड किया गया हो, मान लेते हैं ये सिचुएशन हो कि एकदम फ्री सरफेस से टच कर रहा हो, ठीक है, रेडियस इसका ए ही है, तो अब सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, तो ये आपका हो गया जस्ट इमर्स्ड, ठीक है, तो जस्ट इमर्स्ड वाला केस भी एग्जाम में बहुत आता है, सो इट इज़ जस्ट इमर्स्ड केस। तो अगर डिस्क को जस्ट इमर्स्ड किया गया है तो इस केस में जो सेंटर का जो ये जो डेप्थ है फ्री सरफेस से वो ए हो गया, दैट मीन्स एच आपका ए हो गया, रेडियस भी इसका ए ही है, सो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बाई फोर, राइट, तो आपका फाइव बाई फोर टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, यानी रेडियस से थोड़ा नीचे आएगा, तो सेंटर ऑफ ग्राविटी देखो एग्जैक्टली सेंटर पे होता है तो उससे नीचे ही आ रहा है, तो हम लोग बताए थे कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्राविटी, राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे फिर क्या है, एक और फार्मूला देख लो यहाँ पे टोटल प्रेशर का, चूँकि बहुत बच्चे इसको लेके भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग फार्मूला भी मैं यूज़ करता रहता हूँ, तो देखो टोटल प्रेशर की बात करें या बोले थ्रस्ट ऑन ए प्लेन सर्फेस सब इमर्स्ड, सॉरी सब मस्ट मैंने डुबोया हुआ है, ठीक है, इन ए लिक्विड, तो अगर कोई प्लेन सरफेस है जो कि लिक्विड में डुबाया हुआ है तो उस पर जो टोटल प्रेशर होता है या थ्रस्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है पी इंटू ए यानी टोटल प्रेशर इंटू एरिया, राइट, जहाँ पी आपका प्रेशर एट सेंट्रोइड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सेंट्रोइड का देखो यूज़ होने लगा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको सेंट्रोइड है, ठीक है, तो सेंट्रोइड भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो आप प्रेशर निकालोगे ना वो एट सेंट्रोइड निकालोगे, फिर एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपको थ्रस्ट मिलेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पी क्या होता है, एम जी एच होता है, ठीक है, वेयर एम इज़ मास ऑफ फ्लूड एंड एच इज़ डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्राविटी, देखिएगा बिलो द फ्री सरफेस, ठीक है, तो प्रेशर निकालने के लिए आपको सेंटर ऑफ ग्राविटी को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर को नहीं, याद रखिएगा। हाँ, तो अब इसी को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, जैसे देखो रो एस जी एच भी लिख सकते हैं, क्यों, चूँकि रो क्या होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई एरिया यानी एम बाई एस, ठीक है, तो यहाँ से मैं एम को हटा के रो एस लिख सकता हूँ, तो एम को हटा के रो एस लिख दिया तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो जी क्या है, वेट पर यूनिट एरिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम जी क्या होता है, एम जी आपका सिंपली वेट होता है, तो अगर आप रो जी ले लेते हो तो रो क्या है, रो आपका मास बाई एरिया है, तो एम को हटा के अगर आप मास बाई एरिया ले लिए तो ये क्या होगा, ये आपका वेट बाई एरिया हो गया, वेट पर यूनिट एरिया, वेट पर यूनिट एरिया, राइट, तो रोजी को मैं W अगर ले लूँगा तो W जेड बार एस बी इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे H को क्या किया गया है, H को ले लिया गया है जेड बार, तो ये आपका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्राविटी हो गया, ठीक है, इसको हम लोग जेड बार G लिख देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो कहीं कहीं पे देखोगे जेड बार G लिखा जाता है, इसका मतलब होता है क्या, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्राविटी, राइट, और कहीं पर अगर जेड बार P लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, तो दोनों को आपको अच्छे से लेके चलना है क्योंकि दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है, राइट। तो ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो मैंने आपको बताया है, और इससे हमारा एमसीक्यूज काफ़ी स्पीड में बनने वाला है, ठीक है।
तो देखो एक छोटा और लेक्चर मैं दूंगा आपको, जिसमें कुछ और भी रिजल्ट्स हैं तो उसको भी कलेक्ट कर लेंगे। और जब हम लोग जा करके फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं, और आप देखोगे कि धड़ल्ले से बहुत जो है रिजल्ट बेस्ड एमसीक्यूज और कुछ काफ़ी इजीली बनने वाले एमसीक्यूज आपको मैं दिखाऊंगा, जो बिल्कुल श्योर है कि एग्ज़ाम में आता है, तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको ये छोटा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आपको काफ़ी जो है अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखो अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो ना, लाइक आप अगर झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो झारखंड पीजीटी में या केवीएस एनवीएस या सीएसआईआर नेट, ठीक है, तो इन सब के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एप्लीकेशन लोड कर लो। ठीक है, एप्लीकेशन मेरा आपको प्ले स्टोर से अपलोड हो जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का। फिर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे सारा ही कोर्स लगा हुआ है, पीजीटी टीजीटी झारखंड का बहुत अच्छे से कराया हुआ है, मैथमेटिकल एनालिसिस मैथमेटिकल फिजिक्स सब कुछ है वहाँ पर, तो काफ़ी इंजॉय करोगे। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, लॉट ऑफ एमसीक्यूज मिलेगा, डाउट्स भी मैं आपके लेता हूँ, तो वहाँ से आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके जरूर पढ़ो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।